हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया है स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और एएनएम के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। दोनों के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं यहाँ पे, और ये बता दिया गया है कि एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे कब डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे किस तारीख को एग्जाम देने जाना है, एग्जाम की डेट वगैरह क्या रहेगी, ये सारी जानकारी इसमें बताई गई है। और देखिए, इसमें छोटी सी जानकारी और है मेरी तरफ से यहाँ पे एडिशनल रहेगी, तो वो भी मैं आपको इसमें पूरी कवर कर लूंगा। पूरा अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये अपडेट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप हमसे किसी भी समय किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके के अपडेट्स आपको सबसे पहले और सबसे तेज हमारे चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे। कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं अगर आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड इसके यहाँ पे जारी होने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बना के लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वो वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, और अपडेट शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनने अगर फॉर्म फिल किया है, अगर उनको लगता है कि उनके द्वारा जो भी जानकारी उन्हें प्रोवाइड कराई है कोई ना कोई गलत चली गई है, कोई ना कोई गलत तरीके से सबमिट हो गई है, तो अभी भी आपके पास एक समय है, एक मौका दिया जा रहा है आप सभी लोगों को। तो जितने भी स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट हैं हमारे, उनको यहाँ पे करेक्शन करने के लिए एक और मौका मिल रहा है। 25 सितंबर तक वो लोग अपने अपने एग्जाम फॉर्म यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। 5वें नंबर का ये कॉलम है स्टाफ नर्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे जाके जो भी जानकारी गलत पहुंच चुकी है वहां पे आप लोग यहाँ पे जाके ऐड करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। और जितने भी एएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे लास्ट में जानकारी दे दी गई है। 8वें नंबर का कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, और आप लोगों को 25 सितंबर तक का यहाँ पे समय मिलेगा। और यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड कराई गई है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जानकारी आपने वहां पे गलत भेज दी है, कोई ना कोई दिक्कत आ गई है आपके फॉर्म में, तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है, फिर बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, तो अभी आप लोग जाके इसको करेक्शन करवा लीजिए। तो 25 सितंबर तक आपको ये डेट याद रखनी है। अब हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट जो नोटिस आया हुआ है वेबसाइट पे शेड्यूल से रिलेटेड, एएनएम और स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, आवश्यक सूचना में मैं गया और यहाँ पे देखिए बोला यह जा रहा है कि क्लिक हियर। तो क्लिक हियर करने के बाद ये जो पेज खोल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा, और ये एक तरीके का नोटिस है पूरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा ये निकाला गया है, और बहुत ही हाल ही में करंट अपडेट है, अभी हाल ही में ये यहाँ पे निकाला गया है। 19/9/2019 को ये यहाँ पे पब्लिश हुआ है, और हमारे चैनल द्वारा सबसे पहले और सबसे तेज आपको ये जानकारी मिल रही है। देखिए, यहाँ पे जितनी भी जानकारी है संविदा बेसिस पे एएनएम और स्टाफ नर्स दोनों के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है, दोनों के लिए यहाँ पे एक बात कही है। और देखिए, आपको हॉल टिकट कब डाउनलोड करने हैं, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र दिनांक 26 सितंबर 2019 सायकाल को जारी किए जाएंगे, मीन्स 26 सितंबर 2019 के शाम को आप लोगों को अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम भी आपको यहाँ पे अपडेट दे देंगे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे दूसरा जो अपडेट आपको है, यहाँ पे ऑनलाइन आपका एग्जाम कब है, 1 अक्टूबर 2019 को आयोजित की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को आयोजित की जाएगी। और देखिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है, दावे आपत्ति दिनांक 5/10/2019 से स्वीकार किए जाएंगे, और दावे आपत्ति की अंतिम तारीख जो है 7/10/2019, ठीक है। तो ये तीसरा चौथे नंबर का पॉइंट तो ये तब मान्य होगा जब आप लोग यहाँ पे एग्जाम देकर आएंगे, जब आंसर्स की रिलीज हो जाएंगी तब उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे तीसरे और चौथे पॉइंट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। देखिए, अभी आप लोगों को जो याद रखना है, जो तारीख है हॉल टिकट आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 26 सितंबर 2019 को शाम के बजे शाम से, और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आपका एग्जाम जो होगा 1 अक्टूबर 2019 को आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम देने जाना होगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, कैसा लगा ये अपडेट आपको जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हैं आपको स्क्रीन पर, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं, क्वेश्चंस के सेट जो पूछे गए हैं एएनएम और स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट में, दोनों की आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे ओपन करके देख लेना है, दोनों में यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी समय किसी भी वक्त। और अगर आपको लगता है कि आपके एडमिट कार्ड जैसे ही आए हम आपको डाउनलोड करके दें, तो आपको क्या करना है, हमारी मेल आईडी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा देता हूं, यहां पे आप लोग अपने अपने फॉर्म मुझे यहां पे भेज दीजिए। तो नीचे की तरफ मैंने यहां पे अपनी पर्सनल मेल आईडी लिख दी है, आप लोग अपने अपने फॉर्म की फोटो लीजिए और मेरी इस मेल आईडी पे भेज दीजिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको वहां पे
मेल करके आपके आपके एडमिट कार्ड जो है आपको भेज दूंगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि एडमिट कार्ड आने वाले हैं और इसके एग्जाम डेट जो है 1 अक्टूबर है। तो सभी लोगों को ये जानकारी बता दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड सेट तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाले हैं और जितनी भी जानकारी है वो भी आपको इस तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड का अपडेट भी आएगा तो वो भी आपको इसी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चाहे तो आप लोग एक थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।